हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज़ जैस्मिन। आज हम बना रहे हैं बेक्ड स्पाइसी चिकन टेंडर्स, एक मज़ेदार सा नॉन फ्राइड स्टार्टर जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है और बच्चों के टिफ़िन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसको आप आसानी से स्टोर भी कर सकते हो फ्रीज़र में लगभग एक महीने तक, और जब भी आपको बनाना हो तब आप इसको बेक कर सकते हो। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं बनाना स्पाइसी चिकन टेंडर्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे। स्पाइसी चिकन टेंडर्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कश्मीरी मिर्च को लगभग 4 घंटे तक भिगो के रखा था और फिर उसकी पेस्ट बनाई है। आगे यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है जिसको हम लंबा लंबा स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। स्ट्रिप्स की थिकनेस आप बहुत ना थिन रखिए और ना ही थिक, ये मीडियम साइज़ की होनी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो। बस ये राइट थिकनेस है। हम इसी तरीके से सारे जो चिकन है इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। चिकन पसंदे बनाने के लिए जिस तरीके से हम लोग कट लगाते हैं हमको उसी तरीके से कट लगाने हैं, बस थिकनेस थोड़ा सा पसंदे से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए, टेंडर्स कट होकर रेडी हो गए हैं, ये बिल्कुल सही साइज़ है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। बहुत सिंपल मैरिनेशन हमको यहाँ करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हमने ली है काली मिर्च की पाउडर, और चिली पेस्ट हम डालेंगे लगभग 2-3 टेबलस्पून। अगर आपकी चिली बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस लेवल एडजस्ट कर सकते हो। बस अब इन सब को हमको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हम यहाँ पर चिकन को पोक करेंगे ताकि मैरिनेशन अंदर तक चला जाएगा। पोक करने के लिए हमने यहाँ पर फोक का इस्तेमाल किया है, आप टूथपिक से भी कर सकते हो। अब हम इसको कवर करके साइड में रखेंगे 1/2 से 1 घंटे तक। तो देखिए, 1 घंटा हो गया है, अब हम इसको कोट कर लेंगे। चिकन को हम 3 लेयर्स में कोट करेंगे। पहला कोट रहेगा मैदे का, दूसरा अंडे का और तीसरा ब्रेड क्रम्स का। यहाँ पर हमने मैदा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हम रेडी रख रहे हैं। आगे हमने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं जिसको हम अच्छे से फेटेंगे और उसको लाइट सीजन करेंगे। सीजनिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं चिली पेस्ट, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो जो स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप चिली पेस्ट नहीं भी डालोगे तो कोई मसला नहीं है। आगे हम ब्रेड क्रम्स को भी सीजन कर लेंगे। यहाँ पर हमने डाला है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगेन दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, क्योंकि ये स्पाइसी चिकन टेंडर्स है इसलिए ये इतनी चिली तो बनती है, एंड मोर ओवर इट ब्लेंड्स परफेक्टली विद द चिकन। तो चलिए अब शुरू करते हैं कोटिंग। सबसे पहले हम चिकन को कोट करेंगे मैदे से, फिर हम उसको डिप कर लेंगे एग में, और फिर लास्टली ब्रेड क्रम्स में। हमको ये मेक श्योर करना है कि चिकन को हर तरीके से हर तरफ से कोट हो जाए। यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे लिया है और ऊपर रैक रखा है जिसके ऊपर हम ये चिकन टेंडर्स प्लेस करते जाएंगे। ये कोटेड चिकन टेंडर्स आप फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और आपकी जब मर्जी हो तब आप इसको बेक कर सकते हो। अगर आपको फ्राई करने का मन है तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, पर क्योंकि हमको यहाँ पर हेल्दी वर्जन दिखाना है हम यहाँ पर बेक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने सारू को कोट कर लिया है। चिकन टेंडर्स को कन्वेक्शन ओवन में 350 डिग्री पर 20 मिनट तक बेक करना है और बीच में 10 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो चलिए चिकन टेंडर्स को बेक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और दोनों साइड से ऑयल स्प्रे कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको ऑयल स्प्रे किया है और फ्लिप भी किया है। अब हम इसको ओवन में फिर से 10 मिनट के लिए बेक करने रखेंगे। तो चलिए चिकन टेंडर को बेक होते हुए टोटल 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और देखिए इनको कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ या मेयो के साथ किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। ये एक परफेक्ट पार्टी स्टार्टर डिश है जो कि सबको बहुत पसंद आ जाता है और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं किया है बल्कि बेक किया है। अगर आप हमारे और भी स्टार्टर डिशेस देखना चाहते हो तो यहाँ जो ऊपर लिंक आई है उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको कोई डिश सजेस्ट करनी है हमको तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।